हेलो फ्रेंड्स, टेक माय आरएस में आपका स्वागत है। जय हिंद साथियों, 26 जनवरी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और आपके परिवार को और आपके प्रियजनों को। दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। एमपी व्यापम की वैकेंसी, तो पूरी जानकारी, संपूर्ण सिलेबस और क्या रहेगा, स्टडी से सिलेबस से लेकर सिलेक्शन तक का प्रोसेस, वो मैं आपको इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि आप फॉर्म कैसे भरोगे, आपको क्या फायदा होगा, आपको कितना पढ़ना है, हर चीज मैं आपको क्लियरली बताऊंगा इस जगह पे। तो उससे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट आई है और कितने हमें कैसे कैसे भरनी है और किसके लिए सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, हम वो देखते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, मध्य प्रदेश, हमें मध्य प्रदेश की वैकेंसी आई है एमपी व्यापम। तो उसमें हमारा क्या है दोस्तों, हमारे पास 2112 पोस्ट है, 2112 पोस्ट है हमारे पास, इसमें 2112 पोस्ट है। और क्या कहते हैं, जो फीस रहेगी, सबसे बड़ी बात पहले फीस बता देता हूं मैं, जनरल और अदर स्टेट तो 560 रुपये रहेगी। जनरल और अदर स्टेट के लिए तो 560 रुपये की फीस है, क्योंकि जब अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भरते हैं किसी अदर स्टेट के अंदर, मान लो जैसे यूपी के बच्चा एमपी में फॉर्म भरेगा, तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर पहुंच जाता है, वो जनरल कैटेगरी के अंदर पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमारी 560 रुपये फीस है अदर स्टेट की भी। एससी, एसटी और ओबीसी की 310 रुपये फीस है। ये तो फीस रही आपकी, ठीक है ना, ये फीस रही आपकी, ठीक है ना। अब पोस्ट हमारी, इसमें तीन पोस्ट है इसके अंदर, एक तो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है हमारे पास 1771 पोस्ट है हमारे पास, और फील्ड गार्ड की है। अब जैसे अब मान लो फॉरेस्ट गार्ड में हमें जहां भी, मतलब एमपी के अंदर जहां भी फॉरेस्ट एरिया है, जैसे सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं उधर, और भी क्षेत्र हैं, जैसे ग्वालियर का भी काफी क्षेत्र है, और क्या कहते हैं, बहुत जो क्षेत्र है जहां फॉरेस्ट है, जंगल है देखने को, वहां के लिए जो फॉरेस्ट गार्ड और फील्ड वर्क में तो हमारा यही आ जाता है, घूमना फिरना ज्यादातर देगा बारी वाला, ठीक है ना। और जेल प्रभारी, अब हमारी देखो, ये तो हमारी पोस्ट रही, इसमें जेल प्रभारी की हमारे पास 200 पोस्ट है, फील्ड गार्ड की हमारे पास 140 है, और फॉरेस्ट गार्ड की 1771 है। सबसे ज्यादा पोस्ट हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड की है, ठीक है ना। तो दोस्तों, अब हमें देखो, हमारे लिए कौन सी सही है। देखो, मैं अब आपको सारी की सारी संपूर्ण जानकारी देने आया हूं। तो देखो, हमारे पास इसमें तो कितनी हमें इसमें 163 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, 163 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, ठीक है ना, बॉयज की। और गर्ल्स के लिए है कि नहीं है ये, तो दोस्तों ये गर्ल्स के लिए भी है, उसके लिए क्या हाइट रहेगी, उसके लिए 152 सेंटीमीटर है, ठीक है ना दोस्तों। ये तो रही हमारी फॉरेस्ट गार्ड की हाइट, लड़क बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास अब एज क्या रहेगी, तो दोस्तों एज तो भाई ज्यादातर सब जॉबों में चलती है, कितनी 18 से 28, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो चलती है 18 से 28 की एज चलती है, 100 सेम एज यहां पे रहेगी, थोड़ी छूट एक्स्ट्रा मिलेगी यहां पे, 3 साल प्लस की छूट मिलेगी, गर्ल्स को थोड़ी छूट एक्स्ट्रा मिल जाती है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा फॉर्म जो भरे जाने हैं वो भरे जाएंगे फॉरेस्ट गार्ड के अंदर, फील्ड वर्क और जेल प्रभारी के लिए कम भरे जाएंगे, पर इसके लिए ज्यादा भरे जाएंगे। अब देखो, इसमें और इसकी तो दोनों की हाइट एकदम सेम है, इन दोनों में तो हाइट सेम है, एज सेम है, पर हमारे पास जो जेल प्रभारी की पोस्ट है, जो जेल प्रभारी की पोस्ट है, उसमें हमारी जो हाइट होगी, वो 165 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होगी इसके अंदर, 165 सेंटीमीटर हाइट होगी इसकी, यहां दिख नहीं रहा होगा आपको दोस्तों, 165 सेंटीमीटर हाइट होगी जेल प्रभारी की। अब जेल प्रभारी में तो आपको पता ही है, जो जेल के अंदर जो जेल पुलिस होती है वही होती है जेल प्रभारी, तो वो तो आपको जहां, जैसे मान लो ग्वालियर जेल, ग्वालियर के अंदर जेल होगी,
भोपाल इंदौर साइड में जेल होगी तो उन क्षेत्रों की मतलब मान लीजिए इतनी हाइट होगी। इसमें भी एज एज भाई रहेगी 18 से 28, ठीक है ना, 18 से 28 एज रहेगी इसमें। और दूसरी जानकारी देखो, सबसे बड़ी बात कि जो एमपी व्यापम की वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, मतलब जैसे मैं अच्छी है, जैसे मैं कहना चाहता हूं कि देखो जैसे यूपी पुलिस ले लो, अदर स्टेट की बहुत एग्जाम भी टफ बैठता है, और क्या कहते हैं पीटी भी बहुत टफ बैठता है, पर आपके लिए यहाँ पे जो रनिंग टाइम है वो ओनली 800 मीटर। 800 मीटर कितनी देर में? लड़कों के लिए तो 2 मिनट 40 सेकंड में, और गर्ल्स के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में। देखो इसमें हमें बस मौका एक ही दिया जाएगा, इसके अंदर हम मौका हमें एक दिया जाएगा, अगर हम इसे क्लियर कर लेते हैं तो क्या होगा, इसे हम क्लियर कर लेते हैं तो फिर हमारे पास गोला फेंका आएगा, तो हमें कितना फेंकना है, 29 फिट दूर फेंकना है। हमें इसमें तीन आवाज तीन प्रयास मिलेंगे, हम 3 बार में एक बार सक्सेस हो सकते हैं, एक बार में हम क्लियर हो जाएंगे, 3 बार में प्रयास मिलेंगे, प्रयास 3 मिलेंगे हमें। इसमें जो चेस्ट रहने वाला है वो चेस्ट कितना रहेगा दोस्तों, अब जब हाइट इतनी मांग, जैसे मान लो मैंने हाइट बताई आपको, हाइट कम मांगी है तो चेस्ट भी थोड़ा बहुत कम मांगा होगा, तो चेस्ट हमारा जो रहेगा वो चेस्ट रहने वाला है 76 से 81 सेंटीमीटर। चेस्ट रहेगा हमारा 76 से 81 सेंटीमीटर, और क्या कहते हैं गोला फेंक हमें होना चाहिए, मैं पीटी का बता रहा हूं आपके लिए कि इतनी तो रनिंग रहेगी लड़कों की, 2 मिनट 40 सेकंड, और 3 मिनट 40 सेकंड लड़कों की लड़कियों की रहेगी, गर्ल्स की। जब पीटी तीनों में सेम है, पीटी तीनों के लिए सेम रहेगी, एग्जाम पैटर्न और पीटी सेम रहेगी, बस आपको पोस्ट और हाइट में थोड़ा बहुत कन्वर्जन मिल रहा है, छूट मिली है देखने को जेल प्रभारी और क्या कहते हैं फॉरेस्ट गार्ड और फील्ड गार्ड के अंदर। यहाँ पे हमें 29 फिट गोला फेंकना है, चेस्ट हमारा इतना होना चाहिए, ठीक है ना, गर्ल्स का चेस्ट मांगते नहीं है, और क्या कहते हैं जी, तो हमारी जानकारी होगी पूरी की पूरी। अब हमारे पास क्या, हम इस फॉर्म को भरें कैसे, जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, आप किसी जनसेवा केंद्र सागर कैफे पे जाइए, और सागर कैफे पे जाके इस फॉर्म को फिलिप कीजिए, और फिलिप करने के बाद सबसे बड़ी बात जानकारी कि जो फोटो लेना है, जो जो हमें आइडेंटिफाइड करने के लिए जो फोटो लेना है वो हमें क्या कहते हैं 3 मंथ ओल्ड, तीन मंथ ओल्ड फोटो लेना है ओनली, ठीक ना। और एक और बात क्या, देखो जी 10th क्लास से पास मांग रहा है, मतलब अगर आपने हाई स्कूल कर रखी है और आप, तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, अगर आपने हाई स्कूल कर रखी है और आपकी हाइट 1.65 सेंटीमीटर है और उससे अधिक है तो अच्छी बात है, और अगर 1.65 सेंटीमीटर भी है तो आप इन तीनों को लिए परफेक्ट हो। बस आपको सिलेबस में अभी बताने वाला हूं आपको क्या क्या पढ़ना है, मैंने आपको बता दी पूरी नॉलेज, जेल प्रभारी में 200 पोस्ट है, फील्ड गार्ड में 140 पोस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर 1771 पोस्ट है, मैंने आपको बताया इसमें हाइट कितनी मांगी है, जेल प्रभारी में 1.65 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं फील्ड गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड के अंदर 1.63 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, गर्ल्स के लिए जेल प्रभारी में सेम हाइट है वही कितनी 152 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और 152 सेंटीमीटर हाइट इसमें जेल प्रभारी में गर्ल्स के लिए मांगी है, और फॉरेस्ट गार्ड फील्ड गार्ड में मैंने बता दिया है लगभग कितनी मांगी है, 152 सेंटीमीटर इसमें भी मांगी है। इसमें आपको कम से कम एज रिलेशन मिलेगा जो 18 से 28, 3 साल लड़कियों गर्ल्स के लिए छूट छूट मिल जाएगी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये है दोस्तों कि जिस सबसे ज्यादा जो फायदेमंद होने वाली है जो वैकेंसी वो होने वाली है ओनली एमपी के निवासियों के लिए। नोटिफिकेशन में लिखा है, सबसे पहले पेज पे लिखा है सबसे पहले कि जो सीधी भर्ती हैं और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए होने वाली हैं,
तो अदर स्टेट के लिए 5% का कोटा होगा। अब मान लीजिए अगर 5% का कोटा होगा तो कितनी वैकेंसी जाएंगी अदर स्टेट के लिए, इसमें से 5% निकाल लीजिए कितना होगा इसका, बताइए 5% कितना होगा। तो 5% मान लीजिए और लगाओ हमारे पास इतनी पोस्ट है और 5% में हमने इसका लगा रहा, तो कितना हो जाएगा, लगवा हो जाएगा एक सौ पांच प्लस पोस्ट लगवाओ अदर स्टेट के लिए होंगी, बस इससे ज्यादा नहीं होंगी। तो अदर स्टेट वालों को कुछ फायदा नहीं होने वाला इसमें, सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो एमपी के निवासियों के लिए होने वाला है। तो सबसे ज्यादा मेरा कहने का उद्देश्य यही है, देखो मैं बोलता हूँ सच, सच के सिवा मेरे साथ पास कुछ नहीं है, मैं आपको सच से रूबरू कराता हूँ। और जो भी है हकीकत, सिलेक्शन लेना है आपको तो जुड़िए उसी के साथ जो सिलेक्शन दिला पाए आपको, ना जुड़िए उसके साथ जो सिलेक्शन ना दिला पाए आपको, और आप भटकते रह जाओ इधर उधर कोचिंगों में। आज के टाइम पे ऑफलाइन कोचिंग चले जाइए, ऑनलाइन कोचिंग चले जाइए, मैं अपनी जिंदगी का बता रहा हूँ, 3 साल का मुझे तजुर्बा है, 3 साल कोचिंग की मैंने, 3 साल कोचिंग की, आगरा कोचिंग की, इलाहाबाद कोचिंग की, दिल्ली कोचिंग की, ठीक है ना। कोचिंग करने के बाद हमेशा कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे और क्या कहते हैं आपको फीस सारी की सारी पहले ही एडवांस में जमा करवा ली जाएगी, और डेमो के टाइम पे आपको टीचर फैसिलिटी अच्छी बहुत मिलेगी, और बाकी बात जाओ आपकी फीस डेमो क्लियर हो जाएगा तो आपसे कह दिया जाएगी, टीचर चेंज हो जाएंगे, फिर आप जब शिकायत करोगे कोचिंग सेंटर में तो कहेगा जो वहां के मैनेजर होंगे, वहां के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, तो वो यही कहेंगे पढ़ना है तो पढ़ो नहीं तो जाओ यहाँ से, नहीं हमारे पास टीचर। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है, पढ़िए भाई जो पेपर में आए सही, और ना पढ़िए वो जो पेपर में ना आए कभी। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही रहता है कि आपके लिए, कि आप वो पढ़ो जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो, ना पढ़ो वो जो आपके लिए सिलेक्शन को दूर कर दे। देखो मैं एक ही बात जानता हूँ, सिलेक्शन एक बार में मिल जाता है तो आप ले लो, अभी समय है तो ले लो, क्योंकि अभी वो समय आने वाला है कि जहां जॉब के लिए लोग दर दर भटकेंगे। मेरा एक ही सिद्धांत है कि मैं आपको सच से रूबरू कराऊं, और आपको जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको अपना साथ सिलेक्शन दिलाऊं, ठीक है ना। तो आप वही कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी टीचर नहीं बताएगा, सब अपना अपना फायदा देखते हैं, पर मुझे कोई अपने फायदे में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने सीधे आपको बता दिया है। और सबसे बड़ी बात लोगों के मन में रहता है कि वेतन क्या रहेगा, जो वेतन रहेगा हमारे पास वो 19,500 से 62,000 तक रहेगा, मतलब जब हमें स्टार्टअप जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 19,500, 19,500 रुपये मिलेंगे हमें स्टार्टिंग में, और रिटायरमेंट तक हमें कितने मिलेंगे 62,000। पीएफ वगैरह कट वगैरह कट के आएगा सब कुछ हमारे हाथ में, इन एंड 19,500 आएंगे, ठीक है ना। वेतन ये हो गया, फॉर्म मैंने आपको बता दिया, साइबर कैफे पे अच्छे से भरवाना, फोटो ओल्ड मत लगाना कि जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। दूसरी बात, अगर आपके पास बिल्कुल नए नए स्टूडेंट हो, आज आप फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हो, तो मेरा कहना उनसे यही है कि आप पढ़ो वही जो पेपर में आए सही एकदम। मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है, मेरा मकसद आपको सिलेक्शन दिलाना है, ना कि आपसे कोई पैसा लेना, ना आपसे कोई फायदा लेना। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जुबान पे जब भी आप किसी को बताओ तो आपकी जुबान पे यही हो कि किसने पढ़ाया, कि आरुष सर ने पढ़ाया। मेरा उद्देश्य है आपको सिलेक्शन दिलाना, अब आपके ऊपर है कि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैं तो बस आपके लिए मेहनत करना चाहता हूँ, आप कितना सपोर्ट करते हो दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको पूरी जानकारी बताई इसमें कि जो हमारी फॉरेस्ट गार्ड की कितनी रहेंगी, हमारे पास फील्ड गार्ड की पोस्ट कितनी है, जेल प्रभारी की कितनी पोस्ट है, इसमें हाइट एज रिलेशन मैंने बताया आपको, चेस्ट मैंने आपको बता दिया, चेस्ट हमारा रहेगा कितना रहेगा 76 से 81 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है ना। और जो इसमें जो रनिंग है तीनों के लिए, वो बॉयज के लिए तो 2 मिनट, बॉयज लड़कों के लिए तो 2 मिनट 40 सेकंड में, और लड़कियों के लिए 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं हमें फिर उसके बाद होगा एक गोला फेंक, गोला फेंक के लिए 19 फीट हमें गोला फेंकना है, हमें 3 प्रयास मिलेंगे इसके अंदर, 3 में से 1 में सक्सेस होना है वो हो जाता है आप, ठीक है ना। दूसरी बात, हमें रनिंग में एक ही मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा हमको, तो रनिंग हमें एक ही बार में क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फोटो मैंने आपको बता दिया, सबसे ज्यादा फोटो कहाँ फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, फोटो की वजह से, तो आपको फोटो होल्डर नहीं लगाना है ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा हो तो तुम जब फॉर्म भरवाने जाओ तभी क्लिक करा के फॉर्म फोटो फिलिप करो। मैंने फीस आपको बता दी, फीस कितनी रहेगी, और जनरल अदर स्टेट के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए फीस बता दी मैंने आपको, और फॉर्म आपको जनसेवा केंद्र से भरना है, घर से मत भरना, और आपके पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह पीसी सिस्टम है तो आप घर से भर सकते हो अच्छे से नॉलेज देखकर। और क्या कहते हैं सिलेबस की बात, सबसे बड़ी बात, अब इसमें सिलेबस क्या रहेगा,
इसमें सामान्य ज्ञान 20 नंबर, 20 प्रश्न, सामान्य हिंदी 20 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न। जहां जो पेपर होने वाला है वो कहीं ना कहीं कुछ इजी भी होने वाला और कुछ टफ भी, क्योंकि देखो एक मैं बात आपको बता दूं दोस्तों, अभी इसमें 20 नंबर और रह गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी ध्यान से। क्या कहते हैं 20 नंबर हमारे, मतलब जो क्या कहते हैं जो सिलेबस रहने वाला है गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको लगता है कि बस कह देते हैं कि सामान्य हिंदी लगा दी, सामान्य ज्ञान लगा दी, अंग्रेजी लगा दी, विज्ञान लगा दी, और क्या कहते हैं आपका इतना एक सिलेबस यहां पे होगा। सामान्य गणित अब 10th बेस्ड पे होगा ये पूरा का पूरा, कितने पे होगा 10th क्लास के बेस्ड पे। अब आपको लग रहा है कि वो आपको 10th बेस्ड एग्जाम बताकर आपको 10th का एग्जाम 10th के सिलेबस के हिसाब से आपको पेपर देगा, मेरा सीधा सीधा बात है कि लगभग आप जे 10th में नहीं आएगा, ठीक है ना, कंपटीशन के जरिए आएगा। तो मेरा 1 फरवरी से, या मान लीजिए हाँ अभी 3 4 5 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, तो आपको बस उस मेरे YouTube चैनल पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपए फीस पर, ना मुझे आपसे कुछ लेना है, एक बैच आने वाला है यूपी पुलिस पुलिस बैच करके, उसमें आपको सारी की सारी सामान्य ज्ञान है, सामान्य गणित है, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। मैं आपसे कह सकता हूं देखो आपकी गणित, आपकी विज्ञान, आपकी हिंदी, अगर आप ये 3 सिलेबस में मेरे साथ कर लेते हो तो मैं आपसे कहता हूं 60 नंबर, 60 नंबर पक्के हैं आपके। मैं भाई पढ़ाता हूं जो पेपर में आता है। अब यूं कहोगे सर कि आप मजाक सा कर रहे हो, मेरा मजाक करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं एक बार मुझसे पढ़ के देखो, ओनली 1 मंथ, 1 मंथ आप बस पढ़ के देखो, 1 मंथ पढ़ने के बाद जब आप कोई मॉक टेस्ट लगाओगे, जब तुम कोई प्रीवियस पेपर लगाओगे, तो बस आपका टेस्ट बताएगा कि मैंने क्या पढ़ाया आपको। मैं नहीं बोलूंगा फिर, बस आप अभी मैं बस आपसे इतना बोल रहा हूं कि आप ओनली 1 मंथ मुझे दो, 1 मंथ पढ़ के देखो, 1 मंथ पढ़ने के बाद आपका जो मॉक टेस्ट है, आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, आपके किसी भी टेस्ट सीरीज का पेपर हो आप उठा के लगा लीजिए। अगर पेपर ना फंसे, क्वेश्चन ना फंसे मेरा, तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए और बोल दीजिए कमेंट में कि सर आपका कोई भी फंसाया हुआ क्वेश्चन नहीं फंसा, तो देख लेना मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद करके चला जाऊंगा, अपना सिलेक्शन लेके मैं भी जॉब करूंगा। तो दोस्तों मेरे पे यकीन करो, मैं उन टीचरों में से नहीं हूं कि आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरा सपोर्ट करो, मेरा सपोर्ट करो। मैं आपसे इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों, मेरा बस एक ही मकसद है। अलग सर ने IIT JEE नीट बदला, खान सर ने UPSC बदला, अब बदलने की बारी मेरी है, मैं बदल के दिखाऊंगा पूरी स्टडी को। जो टीचर लोगों ने, जिन टीचरों ने YouTube को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया अपना, जहां कहते हैं 10 10,000 20,000 50,000 सब्सक्राइब होने के बाद कि आप मेरे YouTube चैनल पे आइए, तो वो आपको कहीं पे भी जाना नहीं है, बस मैं वो आपको पूरी की पूरी स्टडी सारी की सारी YouTube चैनल पर ही कराऊंगा। तो दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी, इसके अंदर क्या रहेगा सिलेबस, मैं आपको इतना कह रहा हूँ 60 नंबर जे मेरे जिन्हें कि मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे जो मेन विषय मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको 100 90 नंबर की गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको 100 में से 90 नंबर की गारंटी दे रहा हूं मैं आपको कि आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आप 90 नंबर लेके अपना सिलेक्शन लेके जाओगे। बस
मैं आपको सिलेक्शन दिलाने आया हूँ, मेरा कोई भी मकसद नहीं है पैसा कमाने का, बस मैं आपको सिलेक्शन से रूबरू कराना, आपको इस झूठी दुनियादारी से दूर रखना, और जो लोग बिजनेस बना रखा है एक पढ़ाई को एक स्टडी को, उनको सबक सिखाना है मेरा मकसद। तो दोस्तों सीधी सी बात कि आप वही पढ़िए जो आपके लिए सही हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे यूट्यूब पर चैनल पर मैं SSC GD के क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो करंट में आ रहे हैं, हर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, चाहे मैं एक क्वेश्चन लेके आऊँ पर लेके आऊंगा सही, जो पेपर में आता है। मैं सटीकता का कोई वो नहीं है मेरे पास कि सटीक आएगा, सटीक ये आया है, सटीक ये आया है, कुछ ऐसा नहीं है मेरा, बस एक ही मकसद जो पेपर में आ रहा है वही आपको बताना, तो मैं आपको बताता हूँ। पर आप दोस्तों तब भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।